हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। हम लोग आज डिस्कस करेंगे हर्मिट पॉलिनोमियल्स। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें, और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, ये हर्मिट पॉलिनोमियल दिस इक्वल टू दिस, इट मींस दैट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखते हैं स्टूडेंट, यहां से ये हो जाएगा प्रूफ। वी हैव टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई अपान में डी एक्स टू माइनस अप टू एक्स डी वाई अपान में डी एक्स प्लस अप टू एन वाई इक्वल टू जीरो। ये है, इसको ले लेते हैं स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर वन। स्टूडेंट अब इस टाइप का जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्यूशन करने का मतलब पावर सीरीज। तो पावर सीरीज कंसीडर कैसे करते हैं, तो इसका पिछले वाला वीडियो जाकर के आप देखें पावर सीरीज सॉल्यूशन में, वहां लेजेंड्रे और पॉलिनोमियल का जो कंसीडर ऑफ द पावर सीरीज है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको अच्छे से बताया गया है। देन इसको देखोगे तो आपका अच्छे से समझ में आने वाला है स्टूडेंट। तो देखते हैं, इसका मैं लिख देता हूं कंसिडर द पावर सीरीज। पावर सीरीज, इसका पावर सीरीज ये होता है स्टूडेंट हम लोग के पास y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी सी एम एक्स रेस टू द पावर k प्लस m। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू, c नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट अब ये देखना है इक्वेशन वन में देखो y dy अपॉन dx d टू y अपॉन में dx टू, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये सेकेंड इक्वेशन का मैं टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा इक्वेशन मिल जाएगा, एंड उसका वैल्यू को मैं उसमें लेकर के पुट अप कर दूंगा। तो देखो स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपान में हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी अपान में डी एक्स समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम। ये मिलेगी स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एंड देन सी एम डी अपान में डी एक्स एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम। ये हो जाएगी स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहां से dy अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा समेशन m इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटिव cm, ये हो जाएगा k प्लस m एंड देन x रेस टू द पावर k प्लस m माइनस 1 हो जाएगी स्टूडेंट। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट d अपॉन में dx dy अपॉन में dx इक्वल टू समेशन ऑफ m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव डी सी एम एंड देन के प्लस एम। और डिफरेंशिएबल किसका होगा स्टूडेंट, इसका होगा x रेस टू द पावर k प्लस m माइनस 1 का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं d टू y अपॉन में डी एक्स टू इक्वल टू समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम, और ये हो जाएगा k प्लस m एंड देन k प्लस m माइनस ऑफ 1 x रेस टू द पावर k प्लस m माइनस 2। ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं यहां पर नाउ, ठीक है स्टूडेंट, नाउ करके हम लोग ये देखेंगे y dy अपान में dx एंड d2y अपान में dx2 ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में लेकर के पुट कर देते हैं, तो देखो सभी वैल्यू को यहां पर लेकर पुट करते हैं स्टूडेंट। ये इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू माइनस अप टू एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस टू एन वाई इक्वल टू जीरो। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम के प्लस एम एंड देन के प्लस एम माइनस वन एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस टू। देख सकते हैं आप लोग यहां पर वैल्यू गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। अगेन हम लोग देखते हैं माइनस टू एक्स समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सी एम के प्लस एम वन टाइम डिफरेंशिएबल एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस वन प्लस अप टू एन वाई का वैल्यू है m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम इक्वल टू जीरो। ये स्टेप का वैल्यू हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं, समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम के प्लस एम एंड देन के प्लस एम माइनस वन एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस टू
स्टूडेंट देखो इसको अंदर ले जाते हैं तो टू समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम ये हो जाएगा k प्लस एम एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम माइनस वन प्लस वन ये यहाँ से वन जुड़ जाएगा पावर में तो टू एन समेशन आप हो जाएगा m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखना है जो कट रहा है उसको कटा देते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या गया हम लोग के पास समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम k प्लस एम एंड देन k प्लस एम माइनस ऑफ वन एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम माइनस टू माइनस ऑफ टू समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव। अब देखते हैं स्टूडेंट सी एम बचा क्या k प्लस एम एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम और प्लस टू एन यहां बचा है समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम इक्वल टू जीरो ये हो गया। अब इन दोनों में क्या है स्टूडेंट एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम है एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम कॉमन ले सकते हैं तो यहां से स्टूडेंट समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एंड देन k प्लस एम और ये हो जाएगा k प्लस एम माइनस वन एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम माइनस टू माइनस ऑफ टू भी कॉमन ले लो समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव भी कॉमन ले लो सी एम भी कॉमन ले लो तो इसमें क्या बचा है स्टूडेंट k प्लस एम ये माइनस के चक्कर में ये माइनस हो जाएगा और यहाँ n बचा है और x से क्या हो जाएगा स्टूडेंट रेस टू द पावर k प्लस एम इक्वल टू जीरो इसको हम लोग ले सकते हैं समीकरण नंबर थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास थर्ड हो जाएगा। लेट हम लोग ये करते हैं स्टूडेंट लेट राइट थोड़ा सा यहां लिखते हैं लेट लेट में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहां से इंडिशियल इक्वेशन थ्री फ्रॉम इस इक्वेशन से लेते हैं इंडिशियल इक्वेशन थ्री फ्रॉम एक्स रेस टू द पावर के माइनस टू ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो इसको जीरो के इक्वल हम लोग पुट कर देते हैं तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट इंडिशियल पार्ट के बारे में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट जैसे ही m के स्थान पर मैं जीरो पुट करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट मिल जाएगा एक्स रेस टू द पावर के माइनस टू चाहिए यहां पर क्या है स्टूडेंट देखो एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम प्लस माइनस ऑफ टू दिया हुआ है राइट तो यहां पर मैं जीरो पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा के माइनस टू हो जाएगा और उसका कोफिशिएंट को मैं जीरो के इक्वल पुट कर देता हूं एम्प्लाइज दैट तो यहां से क्या हो जाएगा सी नॉट और के प्लस एम राइट और यहां पर क्या कर दूं जीरो पुट कर दूं तो यह भी जीरो हो जाएगा और यहां से हो जाएगा के प्लस जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट देखो यहां से मुझे k का वैल्यू चाहिए इसलिए क्या हो जाएगा k और k माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहां से k इक्वल टू जीरो और क्या हो जाएगा स्टूडेंट k इक्वल टू वन डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गया क्या आ गया स्टूडेंट दिस वैल्यू इज द डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगेन इसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट यहां लिखते हैं चलो इधर लिखते हैं छोड़ो इसको राइट ये इस जगह से लिखते हैं इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा यहां से हम लोग अगेन सॉल्यूशन करते हैं तो ये इधर देखो स्टूडेंट आप लोग ये हो गया ठीक है स्टूडेंट यहां से देखते हैं अगेन इंडिशियल इक्वेशन थर्ड फ्रॉम राइट थर्ड फ्रॉम क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग एक्स रेस टू द पावर के माइनस वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो राइट देखो स्टूडेंट इसमें हम लोग देखते हैं तो एक्स रेस टू द पावर के माइनस वन नहीं है हम लोग के पास यदि m के स्थान पर 1 पुट कर देता हूं और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक्स रेस टू द पावर के माइनस वन यहां मिल जाएगा राइट यहां पर 1 रखो तो देखो एक्स रेस टू द पावर के माइनस वन मिलेगा इसका कोफिशिएंट को मैं जीरो के बराबर पुट कर देता हूं तो देखते हैं स्टूडेंट यहां पर एम्प्लाइज दैट सी वन और यहां से मिल जाएगा के प्लस वन एंड देन मिल जाएगा के प्लस वन माइनस वन और यहां से इक्वल टू जीरो स्टूडेंट इसको ट्रांसफर कर देते हैं सबको
तो क्या मिलेगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, सी वन के प्लस वन एंड देन के इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट देखे तो के इक्वल टू जीरो एंड देन के इक्वल टू माइनस वन, लेकिन स्टूडेंट दोनों कंडीशन में, कौन कौन से कंडीशन में, x रेस्ट टू द पावर k माइनस 2 के कोफिशिएंट, x रेस्ट टू द पावर k माइनस 1 के कोफिशिएंट, ये डिस्टिंक्ट है और ये डिस्टिंक्ट है, दोनों में k इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू जीरो कॉमन है, और इसी को लेकर के क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को पकड़ते हैं, ये देखो इक्वेशन थर्ड है स्टूडेंट, इक्वेशन थर्ड में एम्प्लाइज दैट समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, ये है सी एम और k प्लस m, और ये मिल जाएगा k प्लस m माइनस 1 x रेस्ट टू द पावर k प्लस m माइनस 2, राइट, अगेन माइनस 2 समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी सी एम, और ये मिला स्टूडेंट k प्लस m माइनस n और x रेस्ट टू द पावर k प्लस m इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक स्टूडेंट, अब ये देखना है यहां पर, लेट सी नॉट सी वन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, जब ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो जाएगी स्टूडेंट, सी नॉट और सी वन दोनों आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू मिल रहा है, देखो यहां पर सी नॉट भी है और यहां पर क्या है स्टूडेंट सी वन है, और ये दोनों आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिल गए, कॉन्स्टेंट मिल गया, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये x रेस्ट टू द पावर को इक्वल कर देते हैं, देन यहां से हम लोग c2, c3, c4, c5, c6 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखना ये स्टूडेंट, यहां से इसको इरेज करता हूं मैं थोड़ा सा, ये ऊपर वाला पॉइंट को इरेज करते हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, यहां तक का जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है स्टूडेंट ये देखते हैं, अब यहां से कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम के प्लस m, राइट, एंड देन क्या मिला स्टूडेंट हमें k प्लस m माइनस 1 x रेस्ट टू द पावर k प्लस m माइनस 2 माइनस ऑफ 2 समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो यदि जहां पर m है वहां पर m माइनस 2 लिख दे तो ये हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, सी एम माइनस 2 हो जाएगा स्टूडेंट, अगेन ये हो जाएगा हम लोग के पास k m के स्थान पर प्लस m माइनस 2 माइनस n, ये हो जाएगा, और x रेस्ट टू द पावर k प्लस m माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो स्टूडेंट कॉमन क्या लिख रहा है, एम्प्लाइज दैट समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, राइट स्टूडेंट, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x रेस्ट टू द पावर k प्लस m माइनस 2 ये कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या यहां पर स्टूडेंट, यहां से बचा है सी एम के प्लस m एंड देन k प्लस m माइनस 1 बचा है, और स्टूडेंट यहां पर माइनस 2, इसमें जो बचा है वो क्या बचा है स्टूडेंट, इसको पहले लिख देते हैं सी एम माइनस 2 और k प्लस m माइनस 2 माइनस n, राइट, इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, सी थ्री सी फोर रेट सी टू इसका वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो मिल जाएगा स्टूडेंट, मैं यहां लिखता हूं इसको, एम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, सबको ट्रांसफर कर दो, सी एम के प्लस एम एंड देन के प्लस एम माइनस 1 माइनस अब 2 सी एम माइनस 2 और ये हो जाएगा के प्लस एम माइनस 2 माइनस एन इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो सी एम के प्लस एम एंड देन के प्लस एम माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और इसको लिख सकते हैं के प्लस एम माइनस 2 माइनस एन और अपन एक बार इसको रहने देते हैं, ये चला जाएगा इधर स्टूडेंट, तो सी एम माइनस 2 ये हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करते हैं इस स्टेप में, तो सी एम इक्वल टू मिल जाएगा 2 ये के प्लस एम माइनस 2 माइनस एन अपन में मिल जाएगा स्टूडेंट के प्लस एम और ये हो जाएगा के प्लस एम माइनस 1 और यहां पर सी एम माइनस 2 ये हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, बट ये देखना स्टूडेंट
k इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, तो k इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सी एम इक्वल टू हो जाएगा टू, और ये जीरो हो जाएगा तो m माइनस टू माइनस एन अपान में हो जाएगा स्टूडेंट m, और m माइनस वन हो जाएगा राइट, सी एम माइनस टू, ये इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं फोर ले लेते हैं स्टूडेंट। और इक्वेशन फोर को हम लोग सोल्यूशन करेंगे टू कंडीशन में राइट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ये लेते हैं m इक्वल टू टू फोर अपसोन टू एम लेते हैं, ये इस टाइप का वैल्यू पुट करेंगे तब क्या मिलेगा देखो स्टूडेंट, इन इक्वेशन फोर तो यहां से मिल जाएगा टू मिलेगा, m के स्थान पर टू लिखते हैं तो टू मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा टू, और टू माइनस टू माइनस एन अपान में हो जाएगा टू एंड देन टू माइनस वन राइट, सी टू माइनस टू हो जाएगा स्टूडेंट। यहां से देखो सी टू इक्वल टू ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब टू एन अपान में हो जाएगा हम लोग के पास टू इंटू वन, और ये हो जाएगा सी नॉट। अब इसको लिखे स्टूडेंट तो सी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन का ये वन पावर लिख सकते हैं, टू वन लिख सकते हैं एंड देन एन लिख सकते हैं, अपान में लिख सकते हैं स्टूडेंट टू का फैक्टोरियल, और ये सी नॉट ठीक है। इसी तरीका से हम लोग सी फोर का वैल्यू निकालते हैं राइट, सी फाइव का वैल्यू निकालते हैं, तो इधर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इस जगह से ठीक है स्टूडेंट। ये k इक्वल टू जीरो पर ही फाइंड करेंगे, बाकी का वैल्यू का जरूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं C4 निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसमें रखेंगे अगेन C4 निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग के पास 2 एंड देन 4 माइनस 2 माइनस n अपान में हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1, और यहां मिल जाएगा स्टूडेंट C4 माइनस 2 ये मिलेगा, तो यहां से C4 इक्वल टू 2 एंड देन 2 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास n ठीक है स्टूडेंट। ये अब अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 4 और ये 3 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास C2, C2 का वैल्यू वहां से उठा करके यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा C4 इक्वल टू 2 और 2 माइनस n अपान में क्या हो जाएगा 4 एंड 3, और मल्टीप्लाई करके माइनस अब 2n अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा C नॉट हो जाएगा। तो C4 इक्वल टू चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को सामने से ले आओ ये स्टेप का, और 2 का क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं एंड देन n सामने आ जाएगा, और 2 माइनस n लिख सकते हैं और C नॉट, और अपान में हो जाएगा ये स्टूडेंट सीधा सीधा 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसमें से माइनस बाहर कर दो तो C4 इक्वल टू माइनस 1 एंड देन यहां से माइनस बाहर कर देंगे स्टूडेंट, अगेन यहां से क्या कर देंगे माइनस बाहर करेंगे तो ये स्टेप का हो जाएगा। जैसे ही माइनस बाहर होगा तो 2 का स्क्वायर एंड देन n, और n माइनस क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट C नॉट और अपान में फैक्टोरियल 4, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट C4 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन 2 का स्क्वायर एंड देन n और n माइनस 2, और ये हो जाएगा C नॉट अपान में फैक्टोरियल 4, ये हो गया स्टूडेंट। अब सोन इसी तरीके से 2m के लिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे 2m के लिए, अब स्टूडेंट मैं इधर को इरेज कर देता हूं, इधर का जरूरत नहीं है मुझे ठीक है। ये इक्वेशन की जरूरत है 4 का, बाकी इधर का जरूरत नहीं है स्टूडेंट ये, क्योंकि k इक्वल टू 0 पर ही फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट। ये मैं यहां लिख देता हूं k इक्वल टू 0 पर ये निकालना है, यही पर पावर सीरीज फाइंड आउट करना है ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं यहां से अगेन क्या निकालेंगे स्टूडेंट हम लोग C2m निकालेंगे, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप लोग निकाल सकते हो, तो यहां से आ जाएगा माइनस 1 रेस्ट टू द पावर m 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2, ये स्टेप का n माइनस 2। अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपसोन लिख करके हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर जस्ट लास्ट वाला टर्म आएगा, लास्ट वाला टर्म में हम लोग क्या कर देंगे माइनस करेंगे, मतलब आप समझो यहां पर मैं लिखता हूं एक मिनट के लिए देखो इस टर्म को, ये जैसे कि C2m लिखूं स्टूडेंट तो इक्वल करके 2 हो जाएगा मेरा, और m के स्थान पर राइट क्या लिखूंगा 2m माइनस अप हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस अप n अपान में हो जाएगा हम लोग के पास यहां से 2m, और मिल जाएगा 2m माइनस 1 ये मिलेगा ठीक है। इसका वैल्यू आएगा तो c के स्थान पर क्या मिल जाएगा 2m माइनस अप 2, तो यहां से c नॉट आएगा स्टूडेंट अगेन, तो c2m इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2, माइनस बाहर निकाल दूंगा तो ये माइनस लिख लेगा,
तो हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास एन आर माइनस अब टू एम प्लस अब टू और अपान में हो जाएगा हम लोग के पास टू एम का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। ये कंडीशन आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, एम एम कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा स्टूडेंट, एम कॉमन निकलेगा। तो एम 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 और यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे एन माइनस ये मिलेगा टू एम और अगेन प्लस अब क्या मिल जाएगा टू, अपान में मिलेगा स्टूडेंट मुझे टू एम का फैक्टोरियल मिल जाएगा, ये स्टेप का ठीक है, 2m का फैक्टोरियल एंड देन यहां से मिलेगा c नॉट। तो इस स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, केस टू, केस टू में ये देखना स्टूडेंट, m इक्वल टू मुझे 3 और 5 एंड देन अपसोन 2m प्लस 1 फाइंड आउट कर रहा है, तब सेम इसी तरीका से प्रोसेस अप्लाई करोगे और उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है स्टूडेंट, इस वैल्यू को लिख करके इधर मैं इरेज करना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फ्रॉम इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखते हैं, तो ये यहां से हो जाएगा स्टूडेंट C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और यहां से ऑलमोस्ट 2 है, ये 2 हो जाएगा और यहां से 3 हो जाएगा माइनस अब 2 हो जाएगा माइनस n हो जाएगा अपान में स्टूडेंट यहां से 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1 हो जाएगा और यहां से C3 माइनस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट देखो आप यहां कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा C3 इक्वल टू हो जाएगा 2 और यहां से 1 माइनस अप हो जाएगा n अपान में हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 2 और c मिल जाएगा हम लोग के पास 1 और ये C3 इक्वल टू मिल जाएगा 2। ठीक है, क्या मिल रहा है स्टूडेंट हम लोग को, 2 मिल रहा है और यहां से माइनस बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि n माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 और ये मिल जाएगा C1। इसको लिखना चाहे तो C3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1 2 रेस्ट टू द पावर 1 एन माइनस 1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट C1 अपान में हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब स्टूडेंट अगेन देखो इस वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूं, बाकी इसको इरेज कर देता हूं, इस जगह पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट इसका वैल्यू को C2 का वैल्यू को, ये देखो C2 का वैल्यू मुझे क्या मिला है माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1 2 रेस्ट टू द पावर 1 एन और ये C0 अपान में मिला है फैक्टोरियल 2, बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट और इस इक्वेशन में अगेन पुट करूंगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 हो गया 1 C0 फैक्टोरियल 2, ये यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इस इक्वेशन में स्टूडेंट यदि मान लिया जाए अगेन ये इस जगह से देखते हैं तो यहां क्या कर देता हूं मैं 5 पुट कर देता हूं, m इक्वल टू 5 पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 में, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे C5 इक्वल टू देखो यहां पर क्या हो जाएगा 2 m के स्थान पर 5 माइनस अब क्या मिलेगा 2 माइनस ऑफ एन अपान में क्या मिलेगा स्टूडेंट यहां से मिलेगा 5 अगेन मिल जाएगा 5 माइनस अब क्या हो जाएगा 1, ये स्टेप का। अब स्टूडेंट आपको देखना ये है कि C5 माइनस अब क्या मिल जाएगा 2, ये C5 इक्वल टू 2 एंड देन 3 माइनस एन अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 इंटू 4 और C क्या हो जाएगा 3 और C3 का वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूंगा तो C5 इक्वल टू 2 एंड देन 3 माइनस एन और ये हो जाएगा स्टूडेंट अपान में 5 इंटू 4 इंटू आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा मतलब हम लोग का थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं यहां से C5 इक्वल टू 2 3 माइनस एन अपान में 5 इंटू 4 और ये C3 और C3 का वैल्यू को मैं हटा देता हूं स्टूडेंट और उसके स्थान में मैं लिखूंगा माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1 2 रेस्ट टू द पावर 1 एन माइनस 1 और अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और ये C1। तो इसको सीधा सीधा मैं ये लिख सकता हूं C5 इक्वल टू देखो यहां से भी अगेन मेरा क्या हो जाएगा माइनस बाहर होगा और अगेन यहां से मतलब ये तो माइनस बाहर है उसमें से बाहर नहीं होगा इसमें से माइनस बाहर करूंगा तो अगेन माइनस का 2 मतलब हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 ऑलमोस्ट हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन माइनस 1 और ये अगेन पलट करके क्या हो जाएगा एन माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा C1 अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई देखो समझना आपको यह है यहां 2 है यहां 2 है 2 का स्क्वायर यहां 1 है और यहां से माइनस जैसे बाहर करूंगा तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप का हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी में स्टूडेंट मैं क्या करूंगा m इक्वल टू 2m प्लस 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा देखो इसी इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहां बगल में लिखता हूं सी एम इक्वल टू 2m माइनस 2 माइनस एन अपान में क्या हो जाएगा m
और m माइनस वन सी एम माइनस आर टू, ये ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है। अब इसके स्थान पर मैं क्या करूंगा, अगेन m इक्वल टू टू एम प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, टू एम प्लस वन, तब की स्थिति में क्या मिल जाएगा मुझे, सी टू एम प्लस वन इक्वल टू, देखो यहां पर टू, ठीक है स्टूडेंट, अब लिखना चाहे तो एम 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 लिख सकते हो, तो क्या मिल जाएगा इसको लास्ट टर्म में, जैसे कि मैं बनाया हूं स्टूडेंट, देखो आप ये वाला टर्म को मैं बना दिया, ये वाला टर्म टू एम वाला टर्म को सीधा सीधा बना दिया, टू एम रख करके मैं क्या कर दिया उसको बना दिया, सेम इसी तरीके से आप बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन रेस्ट टू द पावर एम, टू रेस्ट टू द पावर एम एंड देन ये सब टर्म आएगा और लास्ट टर्म में अगेन बन जाएगा, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, टू रेस्ट टू द पावर एन और एन माइनस वन और एन माइनस थ्री और अपसोन, ठीक है स्टूडेंट, उसमें भी क्या आएगा हम लोग के पास सी एन आएगा, देखो यहां पर एम में स्थान पर क्या मिलेगा मुझे, एम के स्थान पर मिलेगा टू एम प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, एंड देन क्या हो जाएगा टू एम प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेप का एलिमेंट हमें गिवन होगा और इस टेप का एलिमेंट गिवन होगा तो लास्ट में क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो यहां मैं लिखूंगा टू एंड देन टू एम प्लस अप वन माइनस टू माइनस अप एन, अपान में क्या हो जाएगा यही आएगा m हो जाएगा, मतलब 2m प्लस 1 एंड देन क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 प्लस 1 पहले और माइनस 1 पहले, ये तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या मुझे डेनोमिनेटर में सेम मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो 2 और 2m और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 1 माइनस n, अपान में मिलेगा 2m प्लस 1 एंड देन मिल जाएगा हम लोग का 2m मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहां से अगेन मैं माइनस बाहर करूंगा, यहां से क्या करूंगा मैं अगेन माइनस बाहर करूंगा, जैसे ही माइनस बाहर करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे, ये मिलेगा टू और यहां से जैसे ही माइनस बाहर होगा तो एन और प्लस माइनस ऑफ टू एम माइनस ऑफ टू एम और प्लस ऑफ वन, ये एलिमेंट मिलेगा, तो सीधा सी बात है यहां से मिल जाएगा मुझे एन और माइनस टू एम प्लस ऑफ क्या मिल जाएगा वन मिलेगा, ये स्टेप का एलिमेंट और ये मिल जाएगा सी वन। अब स्टूडेंट इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं, टोटल चीज को इरेज कर देता हूं। अब इरेज करने के बाद मुझे सी टू एम प्लस का मिल जाएगा वन इक्वल टू माइनस वन रेस्ट टू द पावर एम, टू रेस्ट टू द पावर एम टाइम चला जाएगा और एन माइनस वन और एन माइनस थ्री हो जाएगा, अपसोन क्या हो जाएगा एन माइनस ऑफ टू एम प्लस वन और अपान में हो जाएगा स्टूडेंट यहां से टू एम प्लस वन का फैक्टोरियल और ये मिल जाएगा सी वन, ठीक है, ये लास्ट है एम टर्म के लिए। अब स्टूडेंट सभी में से हम लोग क्या कर देते हैं बट, ये देखो ठीक है बट हम लोग जानते हैं स्टूडेंट बट पावर सीरीज क्या होता है, वाई इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम, यहां से स्टूडेंट लेट पुट कर देते हैं इसको एक्सपान करने के पहले पुट कर देते हैं के इक्वल टू जीरो, तो मिला क्या स्टूडेंट y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू जीरो टू इंफिनेटिव सी एम और यहां से मिल जाएगा x और जीरो प्लस m, ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सपान करेंगे तो किसका एक्सपान होगा x रेस्ट टू द पावर m का एक्सपान होगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाला टर्म को इरेज कर देता हूं, इरेज करने के बाद यही बस वैल्यू फाइंड आउट करता हूं स्टूडेंट, ये देखो ये हो गया, ठीक है, इसका एक्सपांशन यहां कर देता हूं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहां से सी नॉट प्लस अप सी वन एक्स प्लस अप सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप सी थ्री एक्स क्यूब प्लस अपसोन, इस टाइप का एलिमेंट्स मिलते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इवेंट को अलग कर देते हैं और ऑट को अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट यहां से मिलेगा वाई इक्वल टू सी नॉट, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं सी टू एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहां से अपसोन कर देते हैं, अपसोन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का प्लस अब मिल जाएगा सी टू एम राइट सी टू एम और एक्स रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा टू एम, ये मिलेगा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में चला गया, दूसरा ब्रैकेट में क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें प्लस यहां से मिलेगा सी वन एक्स प्लस अब सी थ्री एक्स क्यूब अपसोन करके, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं स्टूडेंट, प्लस अपसोन करके ये मिलेगा हमें प्लस
सी टू एम प्लस वन एक्स रेस्ट टू द पावर टू एम प्लस वन, यह सीरीज मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर क्या करते हैं, हम वैल्यू ला करके पुट कर, एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते स्टूडेंट। तो पहले क्या है, ये हम लोग के पास सी नॉट, इसका वैल्यू नहीं निकला है, और प्लस अब C2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये तो ये इसको मैं यहां ले आता हूं, तो माइनस सामने रख देता हूं, माइनस रखूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2n राइट अपान में फैक्टोरियल 2, और उसके बाद क्या है स्टूडेंट, C नॉट x का स्क्वायर प्लस, अब सोल स्टूडेंट इसका वैल्यू देखो, तो इसका वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है, एंड देन मैं लिख सकता हूं इसको माइनस टू रेस्ट टू द पावर m, इस माइनस को इसके अंदर ले जाता हूं, उसका पावर लगा देता हूं, और क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, n और n माइनस टू अपसोन, यहां से मिला है n माइनस अप टू n प्लस अप टू, ये मिला। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में क्या मिला है स्टूडेंट, टू एम का फैक्टोरियल एंड देन x रेस्ट टू द पावर टू एम, ये मिल गया। ठीक है, ये बाकी को इरेज कर देता हूं, बाकी की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट का वैल्यू रखना है स्टूडेंट, राइट क्या कर देना है, दूसरा वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू रखना है, किसका वैल्यू रखना है, प्लस। ठीक है, ये पार्ट का वैल्यू रखना है, इसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे सी थ्री का वैल्यू चाहिए, सी थ्री का वैल्यू यहां पर है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ये देखो इसको भी इरेज कर देता हूं, ये इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसमें सी नॉट रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि सी नॉट आएगा, ये रहेगा हम लोग के पास सी नॉट एक्स रेस्ट टू द पावर टू एम। ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर लेते हैं, ये स्टेप का प्लस, दूसरा पार्ट के बारे में सोचते हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, तो सी वन एक्स, ठीक है, और प्लस हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास ये, इसका वैल्यू क्या चाहिए, सी थ्री का वैल्यू, ये माइनस हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, इसको मैं सामने लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट टू रेस्ट टू द पावर वन एंड देन एन माइनस वन, और ये हो जाएगा सी वन अपान में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री, ये भी हो गया, इसका वैल्यू यहां पर मैं गिवन कर दिया, रख दिया, इसको भी इरेज कर देता हूं, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, प्लस अब सी थ्री का, और यहां पर क्या है स्टूडेंट, अगेन एक्स, दिस इज द एक्स क्यूब, क्या है एक्स क्यूब, अब यहां पर क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे प्लस किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, मतलब इसका वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, मुझे ये स्टेप का मिला है, सीधा मैं रख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, फाइव का वैल्यू रखना चाहो तो आप ये बीच में रख सकते हो, ठीक है, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं, चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, ये आ जाएगा, तो इसके स्थान पर फाइव वाला टर्म आएगा, ये फाइव वाला टर्म यहां रहेगा स्टूडेंट, ऑड नंबर वाला, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस, और ये यहां चला जाएगा इस जगह पर, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे, अगेन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो हम लोग के पास आ जाएगा टू का स्क्वायर एंड देन एन माइनस वन और एन माइनस थ्री, ठीक है, और ये हो जाएगा सी वन अपान में मिल जाएगा फैक्टोरियल फाइव और एक्स रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, फाइव मिलेगा। ठीक है, उससे आगे नहीं जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं रख दूंगा, तो इस वैल्यू को रखूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, उसको देखो, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा नीचे में लिखता हूं स्टूडेंट, ये प्लस राइट, ये तो ऑलमोस्ट प्लस है, और ये क्या हो जाएगा, अगेन मेरा प्लस बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, इसको क्या कर दूंगा, मैं यहां ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, तो इस वैल्यू को मैं हटा देता हूं स्टूडेंट, आप निकाल लेंगे, निकालने के बाद थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, तो ये जर्राइज करके मैं क्या कर दूंगा, प्लस इसको रखूंगा तो यहां आ जाएगा माइनस टू रेस्ट टू द पावर एम, और ये हो जाएगा एन माइनस वन और एन माइनस थ्री, और अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपसोन करके यहां से लिखेगा एन माइनस टू एम और प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, ये इस टाइप का हो जाएगा, और यहां से आएगा मेरा सी वन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन अपॉन में बनेगा स्टूडेंट टू एम प्लस वन का फैक्टोरियल, और यहां से मिल जाएगा एक्स रेस्ट टू द पावर टू एम प्लस वन, ये मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये और यहां से कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाता है हम लोग के पास, क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना ये है y इक्वल टू, यहां पर सी नॉट कॉमन निकाल दो, सी नॉट जैसे ही कॉमन निकालोगे तो वन बचेगा,
माइनस अब टू एन अपॉन में फैक्टोरियल टू एक्स का स्क्वायर प्लस अपसोन ये बचेगा स्टूडेंट माइनस टू रेस्ट टू द पावर एम और यहां से मिलेगा एन एन माइनस टू और अपसोन करके हम लोग लिख सकते हैं अगला टर्म एन माइनस टू एम प्लस अब टू राइट और यहां से सी नॉट कॉमन निकल जाएगा एक्स रेस्ट टू द पावर टू एम ये हो गया अपॉन में क्या मिलेगी स्टूडेंट टू एम का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस यहां से सी वन कॉमन निकाल देते हैं तो एक्स माइनस टू एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल थ्री और ये मिल जाएगा एक्स क्यूब मिलेगा सी वन तो कॉमन निकल गया प्लस इसमें भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट माइनस टू रेस्ट टू द पावर एम एन माइनस वन एन माइनस थ्री अपसोन क्या हो जाएगा एन माइनस अब टू एम प्लस वन और यहां से हो जाएगा एक्स रेस्ट टू द पावर टू एम प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट वन हो जाएगा ये हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं लास्ट टर्म को अगेन क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू सी नॉट इसको एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इसका तो इसको हम लोग ले लेते हैं बी ले लेते हैं स्टूडेंट प्लस इसको ले लेते हैं सी वन और इसको ले लेते हैं हम लोग यू तो यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा क्या कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।